ओम शांति। इस अपने समर्पित परिवार को देखकर और वो भी हमारे श्रद्धेय सरला दीदी जी की ये अनोखी फुलवारी को देखकर बहुत दिल में खुशी हो रही है, बहुत रूहानी खुशबू आ रही है। त्याग तपस्या की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिनसे हम सीखे उनकी फुलवारी के बीच कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा। वास्तव में हम सब तो एक ही मंजिल के राही हैं, सब यात्रा पर हैं। नंबरवार पुरुषार्थानुसार हर एक के अनुभव अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे। हमने इस विषय पर जो अनुभव पाया है वो आप सबसे शेयर करेंगे। मन का मौन और वो भी संपूर्ण मौन कब संभव है? कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। जब किसी कलश में मटके में पानी आधा कम अधूरा होता है तो उसको उठाएंगे, छलकेगा, फुल हो जाएगा तो छलकना बंद कर देता है। खाली ढोल होता है तो शोर करता है, उसके अंदर कुछ भर दो फिर ठक ठक करो आवाज़ नहीं करता। तो मन भी जब तक अतृप्त है, ईश्वरीय प्राप्तियों से खाली है, दिशा विहीन है, बहुत बोलता है। जिसको भटकता शब्द देते हैं, जैसे जैसे इसकी दिशा ठीक निर्धारित हो जाती है, दशा सिलेक्ट हो जाती है, वैसे वैसे ये चुप होने लगता है। मन बोलना क्या होता है और मन चुप क्या होता है? वास्तव में तो ज्ञान अनुसार हम जानते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा है मन यानी थॉट जीरो कभी हो नहीं सकता, थॉट लेस नहीं हो सकते, लेस थॉट्स हो सकते हैं इस धरती पर रहते हुए भी। जीरो थॉट तो डेथ होती है और परम धाम की मुक्ति की अवस्था होती है। हम जीरो थॉट को संपूर्ण मौन नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ भरपूरता फुलफिलमेंट की स्टेट ऑफ माइंड को हम संपूर्ण मौन कह रहे हैं। उसमें भी फिर हमारी बीज रूप स्थिति, बाबा के प्यार में मगन हो जाने की स्थिति, उसमें संपूर्ण मौन की अनुभूतियों की बात आती है। अब मन बोलता क्यों है ज्यादा और क्या क्या बोलता है फिर, जिसको भटकता कहते हैं? खास तौर पर दो युग हमने बहुत कड़े देह अभिमान में गुजारे हैं और देह अभिमान ने हमें बहुत सारी ट्रेनिंग दे दी है और वो ट्रेनिंग इतनी गहरी पक्की है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तक, जो उस अनुसार हमारी डेफिनेशंस बदली हुई है किस चीज़ की सुख शांति पाने की। क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सुख शांति, आत्मा है ही सुख स्वरूप शांत स्वरूप, पर देह अभिमान ने हमें ट्रेनिंग दी है कि तुम शांत कब हो सकते हो, तुम सुखी कब हो सकते हो, जब दूसरा तुम्हारे से नीचे और तुम ऊपर हो तो तुम
शांत संतुष्ट सुखी। जब दूसरा तेरे से आगे तो तुमको दुखी होना चाहिए कंपल्सरी। ये ट्रेनिंग मिली हुई है दो युगों की हमको कि अगर दूसरा तेरे से आगे फिर भी तुम खुश तो सम प्रॉब्लम इज देयर, कि आप कुछ ठीक नहीं हो, कि आप पीछे हो तो भी खुश हो तो एबनॉर्मल। नॉर्मल लोग जो होते हैं ना वो अप्राप्ति में दुखी होते हैं, बाहर वाली अप्राप्ति। तो उस तरह के एटीट्यूड्स हम सब के अंदर डीप बैठे हुए हैं, बहुत डीप। आज भी ब्राह्मण परिवार में सक्सेस को हम इसी ढंग से मेजर करते हैं। सफलता, प्रोग्रेस, उन्नति किसको कहते हैं? जिस बहन ने बहुत कोर्स कराए और उसके बहुत कोर्स करने वाले चल पड़े और वो बहुत धन लगा जाते हैं, कहेंगे देखो भाई कितनी 10 साल हुए, इतनी सफल हो गई, इतने सेंटर्स इसने खोल दिए, इतनी छोटी बहनें इसके अंडर आ गई और जहाँ भाषण करती है लोग डिमांड करते हैं, मेजर कर रहे हैं हम इस तरह से सक्सेस को कि इसने ज्ञान योग कितना ठीक समझा, ठीक किया, ये रिजल्ट आए तो समझा जाए ये ठीक है। जबकि अव्यक्त मुरलियाँ इसके अगेंस्ट जाती है, जाती है ना। सारा ज्ञान की गुह्यता जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अगेंस्ट जाती है, जो हम भाषणों में कोट करते रहते कि बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे भाषण, बहुत सारी अप्रिसिएशन। हो सकता है आत्मा समझ परमात्मा याद करके करने वाले सब्जेक्ट में, एकाग्रता वाले सब्जेक्ट में वो फेलियर हो जाए, कल को कुछ उतार चढ़ाव आए तो स्टेबल ना रह पाए। तो वास्तव में ज्ञान की गहराई तो ये कहती है कि सेंटर 4 भी हो निर्विघन होने चाहिए, 1 भी हो हर जा कोई नहीं, सेंटर इंचार्ज ना भी हो सिर्फ भंडारे में काम करती हो पर दिल से बाबा 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 बहुत कहना आता हो, दूसरे को आगे बढ़ाना आता हो, स्टेबल रहना आता हो, उसकी रजाई पक्की। बाबा भोली दादी का मिसाल देते हैं, इंद्रियों को जीता हो, सदा खुशी और नशे में रहना आता हो, कोई दिनचर्या कोई मर्यादा कभी मिस ना हुई हो, तो वो जो क्राइटेरिया है वो स्मृतियाँ बार बार लोप हो जाती है व्यवहार में आकर के, तब मन ज्यादा बोलता है। फिर कंपैरिजन और कंपटीशन में आकर के ये ज्यादा बोलता है। जब तक समर्पित नहीं हुए होते हमारे सुख शांति का आधार डायरेक्ट ज्ञान और योग होता है, डायरेक्ट बाबा होता है। और समर्पित परिवार में वो बाबा वाली झलक के लिए हम आते हैं, पर समर्पित परिवार में आने के बाद हमारे सुख शांति का आधार सेवा बन जाता है। बीच का सब्जेक्ट धारणा वो कहीं ट्रांसलेट होने लगता है, लोप नहीं होता है, ट्रांसलेट होने लगता है, उसके मीनिंग्स बदलने लगते हैं। और समर्पित होने के बाद ज्यादातर को, सबको नहीं, ज्यादातर को सेवा लीड करती है। जिधर सेवा का बहाव है हम उधर बहते चले जाते हैं, और समटाइम्स उस सेवा के बहाव में अपनी धारणाएं दाव पे लगा देते हैं, समटाइम्स अपना योग दाव पे लगा देते हैं, और समटाइम्स ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग भी सेवा में आगे 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 जाने के लिए। क्यों? जो सुख और आनंद हमें समर्पित होने से पहले ज्ञान और योग दे रहा था, ऊंची धारणाएं दे रही थी, सेवा भी आनंद देती है, दूसरों का जीवन बनता है हमारे द्वारा, वो वाह वाह करते है, वो महिमा करते है, वो यज्ञ की बढ़ोतरी का कारण बनते है। तो हमारे जिज्ञासुओं की उन्नति को
हमारी सेवा की रिपोर्ट को हम अपने पुरुषार्थ का फल मानने लगते हैं, महिमा मिलती है और उस फल को खा लेते हैं, तो वो भी एक तरह का फॉरबिडन फ्रूट है, जो कहते हैं ना एडम ईव ने खाया, निषेध फल था। एडम ईव की कहानी है कि वो ऊपर थे, स्वर्ग में थे, तो निषेध फल था काम विकार, वो खाया और धरती पे गिर गए, यानी देवत्व से गिरे, ऐसी वो तो अलग कहानी है। तो बाबा ने हमें समझाया हुआ है, बच्चे जो महिमा आएगी ना आपको, उसका कारण आप नहीं हो, आपने जिसकी सेवा की वो आपका बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। पिछले कई जन्मों की कहानी अनुसार उसकी भक्ति का फल मैंने देना था, उसको टच मैं करता हूँ, उसको ज्ञान में मैं चलाता हूँ, उसका सफल मैं कराता हूँ, और अपने को लगता है मैंने बड़े तीर मार दिए। वो भी बाबा महिमा करता है, कुमारियां छोटी छोटी भीष्म पितामहों को तीर मारेंगी, और सच में ऐसा कोई भीष्म, सच में कोई ज्ञानी विद्वानी हमारे द्वारा परिवर्तन हो गया तो बहुत मुश्किल है इस माया से बच पाना। मीठी माया है ये कि वो महिमा देवे और हम उसे स्वीकार न करें, हमें लगेगा शुक्रिया बाबा आपने मुझे यूज किया। शुक्रिया करना तो अच्छा है, लेकिन एक और राइट अंडरस्टैंडिंग भी रखना उससे भी अच्छा है कि मैंने नहीं किया, बाबा आपने कराया, उससे भी ऊपर है, आप आके करके गए, मैं क्या जानूं, हम तो बुद्धू थे, क्या जानते थे आपका बनने से पहले, आप ना इस आत्मा को टच करके जाते तो मैं क्या क्या वस्तु थी जो मैं कर पाती। बाबा की एक मुरली हम सबको ध्यान पर होगी कि महिमा कच्चा फल है, अभिमान वाली जो मुरली बाबा की थी, बहुत गुह्य मुरली थी कि अभिमान क्या है, अभी अभी मेरी बात मान, उसको कहते अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभी अभी मेरी बात मान, या तो मान नहीं तो, और मानो तो तुम बहुत अच्छे, ना मानो तो तुम खराब। तो अभिमन्यु जो होता है वो चक्रव्यूह में फंस जाता है और मारा जाता है, क्योंकि उसको महिमा चाहिए बार बार। और दूसरा है अर्जुन, अर्जुन क्या करता है, अर्जुन चक्रव्यूह में घुसना भी जानता है और निकलना भी जानता है, अभिमन्यु घुसने के बाद निकलना नहीं जानता, इसलिए मारा जाता है। अर्जुन क्या है, जो यस मैन है, जो तुम कहो, तुम कहो ये करना हाँ जी, तुम कहो ये छोड़ना हाँ जी, तुम कहो ये किए की महिमा दूसरे को दे दो हाँ जी, तुमने कर लिया उसके बाद भी तुमको निंदा मिलती है हाँ जी, उस पर भी हाँ जी। अर्जुन यस मैन है ना, हर बात पे नाराज नहीं होता, हाँ जी मीन्स राजी है, ऑलवेज राजी। तो जो अर्जुन है वो क्या करता है, महिमा वापस दे देता है। बाबा ने कहा था जो महिमा आती है तो कच्चा फल है, कच्चा फल कोई खाए तो स्वाद पूरा नहीं आता है, दूसरा डाइजेस्ट नहीं होता है पूरा, तो महिमा जैसे ही आए बाबा को ट्रांसफर करते, क्योंकि एक विधि का विधान है कि किसी को सारी उम्र फॉर एवर महिमा मिलती रहे होने वाला नहीं है, आज महिमा मिलेगी कल कंपल्सरी है, ग्लानी भी उसी स्टैंडर्ड की या उससे भी बड़ी वाली, राइट हो कि रॉन्ग हो डजेंट मैटर, पर मिलनी जरूर है। वो जब मिलती है ग्लानी तो बहुत दर्द देती है, महिमा बहुत मीठी लगती है, क्योंकि ये बहुत मीठी होती है, और बहुत बार महिमा मिलने के बाद योग बहुत अच्छा लगता है, बाबा को शुक्रिया के लेटर पे लेटर लिखेंगे, इतने गीत गाएंगे, झूम झूम के सेवा करेंगे, बात मत पूछो,
और निंदा मिली तो सारा गुब्बारा फूस हो जाएगा, सारा कुछ पलट जाएगा। फिर वो जो सीधा वाला चल रहा था ना बाबा, वो आई आई वाई सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। तो इस दर्द से बचने के लिए बाबा ने उसमें हमें सिखाया था, बच्चे जब महिमा आए तो बाबा को दे दो, उसके बाद जब निंदा आएगी उसका दर्द बाबा अपने आप ले लेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, महिमा आती है ले लेते हैं, निंदा आती है बाबा को देने की कोशिश करते, बुलाते रहते बाबा बचाओ ना फलाना तो पीछे ही पड़ गया। महिमा आने पे नहीं कहते बाबा बचाओ ना फलाना पीछे ही पड़ गया है, उल्टा हो गया ना। अगर ये वाली चाल रही तो ये चुप नहीं होता, ये योग भी लगाएगा ना। अगर महिमा मिलने पे तो बहुत बातें करेगा बाबा से, भले अच्छी बातें करे, भले बाबा के प्यार की बातें करे, लेकिन जिसमें बहुत बातें हैं भले बाबा से ही हो। दीदी भी ऐसा समझते होंगे, बहुत बातें हैं बाबा से भी, बात पे बात पे बात पे बात, बाबा आप कितने मीठे कितने प्यारे कितने अच्छे कितना सुख देते हो कितना प्यार, आज तो आपकी गोदी में बोले ही जा रहे हैं। वो भी रियल योग नहीं है, वो भी कोई पुल एंड पुश से है, कोई चीज उसको पीछे स्थूल रूप वाला मजा दे रही है। वरना जहां रियल बाबा की फीलिंग होती है वहां बहुत बातें नहीं होती है, वहां ठहराव होता है, बाबा आप कितने मीठे हो, फिर उसका टेस्ट होता है, निराकार वो आकार वतन देसे न्यारापन, वो वाली रियल मिठास फील होती है। नहीं तो पीछे वाली कोई और मिठास आ रही है, अच्छी सी टोली खाई आज पिकनिक की ना, वो वाली साथ में आ रही है, बाबा आप कितने मीठे हो साथ में आ रही है स्थूल वाली, तो फिर बहुत आएगा। वन थॉट के बाद 15-20-50 भी आएगा, नहीं तो रुकेगा उस रूहानी टेस्ट में जाएगा और वापस रूहानी आवाज सुनेगा, बच्ची तुम भी कितनी मीठी हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। टू वे कम्युनिकेशन, थोड़ा अपना थॉट चल के रुकेगा अपने आप, देह से न्यारेपन से निकला वो, और देह से न्यारेपन से जो निकला वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो सुनता भी है, ज्यादा सुनता है, रिश्तेदारी है ना वहां। तो जहां हम किसी को फोन लगाते हैं, हमारा संबंध है, अजीज है कोई, हमारा नजदीकी है, तो सिर्फ बात बोलते तो नहीं रहते ना, उसकी बात सुनने का कितना चाव होता है कि तुम भी कुछ बोलो तो, कहो तो, बोलो तो सही, आज आज क्या समाचार है। तो ऐसे वाला जब होता है ना तो मन ऐसे रुकने लगता है, धीरे धीरे धीरे, बार बार वो देह से न्यारेपन को पहले कैच करेगा, अपने आप फीलिंग आती जाएगी, बिंदु अकेला नहीं हूं, लाइट जो फैलती है लाइट का शरीर बनाती है, अंदर इस शरीर को पिघलाती है, पिघल पिघल हल्का होता जाता है, इसमें मणि चमकती जाती है। बाबा ऐसे देख रहा है मेरी तरफ, बाबा की वो नज़र जैसे अंदर घुसती है, खींचती है, खींच पड़ती है अंदर, उस अनुसार भाव पैदा होते हैं, फिर थॉट निकलता है, रटी रटाई कमेंट्री नहीं होती है उसमें। किसी किसी का योग ऐसा होता है 10 साल से एक ही कमेंट्री रट रहे हैं, जब ही बैठते हैं आके, मैं देह से अलग ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही हूँ, माथे में आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, वही रट्टू तोता चालू है। ये तो संबंध है ना, रट्टू तोता है तो फिर मन चुप नहीं होता है, मन चुप होता है राइट अंडरस्टैंडिंग से, जो व्यवहार में है हमारी
कि मुझे सुख शांति कहाँ से लेना है, कौन से वाला खाना है सुख शांति, बाहरी वाला या भीतर वाला, बाहरी प्राप्तियों वाला या फिर भीतर से मैं आत्मा जो प्राप्तियों से भरती हूँ वो वाला मुझे खाना है। भोजन है ना, ये भी मुझे आत्मा का भोजन है। तो इसलिए मन के मौन से पहले इच्छाओं का मौन होता है। सेलेक्टिव डिजायर्स, राजयोग इच्छाओं से भी भागना नहीं सिखाता है, क्योंकि राजयोग ये जानता है कि मन का काम है चलना, मन रुकता नहीं है। और इच्छा करना बुरा नहीं होता है, पर इच्छाओं को फिल्टर करना होता है, सेलेक्ट करना होता है कि हम महान आत्माओं के लिए, हम अवतारों के लिए कौन सी इच्छाएं उपयुक्त है, कौन सी इच्छाएं श्रीमत अनुकूल है, कौन सी कल्याणकारी इच्छाएं, कौन सी इच्छाएं आत्मा की शुद्धिकरण का मार्ग खोलती हैं और कौन सी इच्छाएं आत्मा को मैला कर देती है। जितना आत्मा पर मैल होती है मन ज्यादा बोलता है, जिसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं, वेस्ट थॉट्स की स्पीड ज्यादा होती है, नेगेटिव की और ज्यादा होती है, पॉजिटिव की कम होती है। पॉजिटिव से ऊपर अपने पास है एलिवेटेड थॉट्स, वो स्लो डीप और उसके बाद डेड स्लो, डेड स्लो के बाद एकदम स्टिलनेस आती है उसमें, जो बीज रूप अवस्था में होता है कि एक संकल्प उसकी अनुभूति बहुत गहरी और लंबी चलती है, जैसे उसका टेस्ट इको आता रहता है। प्यार का सागर बाबा मुझे दे रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। एक घंटा भी चल जाएगा वो टेस्ट, वो फीलिंग। जैसे जगदीश भाई जी का एक बात बहुत प्रसिद्ध है, कहते विदेशियों को क्लास कराते टाइम रशिया वाली संतोष दीदी ने सुनाया था, बहुत बहुत टचिंग बात है उनकी। वो उनको कह रहे थे, आप कभी प्रेम गली से गुजरे हो? ये प्रेम की गली है, जिसमें प्रेम ऐसी वस्तु है जो दो दीवाने बस एक दूसरे से आंख मिली काफी है, दो दीवानों को काफी है। लैला मजनू बाबा बहुत बार कहते हैं, विकार का प्यार नहीं था, लैला की माँ ने उसको बंद कर दिया, आने की बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मजनू दूर पहाड़ी पर खाना पीना सोना घर बार सब छोड़ के बैठा ही रहता था, किस लिए? बस लैला की एक झलक देख लो, बस उतने के लिए बैठा तो बैठा तो बैठा। ऐसे ही ये जो बीज रूप अवस्था, ऐसे कोई एक थॉट पे ऐसे चली जाती है अनुभूतियों में गहरी, वहां मन चुप होता है। उसके लिए ये इच्छाओं का मौन चाहिए। जरूर इच्छाएं हमें सेलेक्ट करनी है। हम इतने शक्तिशाली और महान हो गए हैं कि हम अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली इच्छा मुझे रखनी है, इसको छोड़ देना, सेंटर इंचार्ज बनू छोड़ देना, जिज्ञासु ज्यादा बढ़े छोड़ देना, कौन सी इच्छा जिससे मिलूं, आत्मा समझ, आत्मा देखो और उसको शांति की फीलिंग करा दूं, इस इच्छा को भड़का लेना। खाना बनाऊं ऐसे बाबा 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 करके बनाऊं, बस जो खाए योगी हो जाए, ऐसी इच्छाएं भड़का देनी है। बाबा घर ऐसा संवारूं जो आए साक्षात्कार हो जाए,
ऐसी इच्छाएं भड़काने से दूसरी इच्छाएं कब मोर देन पूरी हो गई, जितनी चाहिए थी पता ही नहीं चलेगा। तो फिल्टर करना इच्छाओं को, पहला इच्छाओं का मौन, दूसरा है फिर ये इंद्रियां बहुत शोर करती है क्योंकि पुराने खटारा शरीर हो गए ना, टूटी फूटी गाड़ी है। तो मन को चुप करने से पहले जैसे ही बैठेंगे कहीं खुजली होगी, मन बोलने लगेगा, और डॉक्टर को दिखाना था, क्या ऐसे करते दाने दाने हो जाते, इतनी दवाई खाई थी अभी भी ठीक तो होता नहीं है, दीदी को बोलूंगी किसी और डॉक्टर को। अरे आत्मा समझ परमात्मा को याद करने बैठे थे, खुजली ने कहाँ पहुंचा दिया, खुजली पूरी हुई चलो आत्मा बिंदु दे से न्यारी, भूख लगी है आज खाना जल्दी खा लेंगे, वो भूख कुछ बोलने लगी, वो चुप हुई, कान में कुछ शुरू हो गया, आवाज़ आया बाहर से, गाड़ियाँ यहीं चलती हैं, सेंटर कहीं और होना चाहिए था, इतने शोर वाली जगह पे बना दिया, जब देखो टर टर बोलता ही रहता, वो चुप हुआ, आँख कुछ बोलने लगी, देखना सामने बाबा के चित्र के साथ इतना बड़ा पॉट रख दिया, साइड रखना चाहिए, अब आंख कुछ बोले जा रही है, थोड़ी देर में प्यास लग गई, बॉटल साथ लेके बैठती तो कितना अच्छा था, पानी पी लेती। ये इंद्रियां शोर करती है, तो इन इंद्रियों का भी मन चाहिए। लॉकडाउन डेज में ना हमने सब अनुभव किया, कोई मक्खी आ जाएगी उसी की कहानी अंदर चालू हो जाएगी, चलती रहेगी। तो प्रैक्टिस करनी है हमको इंद्रियों का मौन क्या होता है। थोड़े दिन पहले हमारी स्पार्क की मीटिंग में नेहा बेन मुंबई वाली गुलजार दादी के साथ रहती है, उनसे पूछा गया दादी की प्रेजेंट स्टेज आप बताओ, तो उन्होंने कहा दादी को हम 3 वर्ष से कंप्लीट मौन में देख रहे हैं, दादी का सिर्फ मुख का मौन नहीं है, दादी की आँखों का भी मौन है, कानों का भी मौन है, स्वादों का भी मौन है, हर इंद्रिय के मौन में है दादी। उनके सामने आप डांस कर लो, गुड्डे गुड़ियाँ दिखा दो, लाइटिंग दिखा दो, दादी की मर्जी होगी तो आँख उठाएगी, नहीं तो कभी नहीं उठाएगी। आपकी ताकत नहीं जो उनकी आंख को आप इधर का इधर करवा दो, दादी ऐसे बैठी है तो बैठी है तो बैठी है तो बैठी है, आप जो मर्जी किए जो, कान में कुछ मर्जी कहानियां बोले जाओ, दादी की हियरिंग ठीक है, दृष्टि ठीक है, ऐसे नहीं इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, मन इतना डिटैच हो गया, इतना चुप हो गया, ऐसे नहीं कि बोल नहीं सकते, शरीर कमजोर है, नहीं अभी भी कुछ बोलना हो बोलते है, लेकिन आप बुलवाना चाहें प्रभावित करा के दादी डिटैच है। तो इतना लंबा काल उन्होंने इंद्रियों को साधा है। बहुत सालों पहले हम किसी दूसरे धर्म वाले आनंदपुर वाले उनके बड़े भाई जी थे, उनसे मिलने के लिए गए थे, बाकी बातचीत में एक शब्द उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, कहते योगी वो जो काया गाले, काया को गला डाले वही योगी होता है, और हम तो राजयोगी सहज योगी नरम गरम बिस्तरों पर सोते हैं, आराम से बढ़िया बढ़िया महल हमको मिल गए, और खाना पीना तो जो हमको मिलता है आज दुनिया में कोई को नहीं मिलता होगा, पहनने को जो मिलता है, जो हम लोगों के ऊपर आजकल चढ़ावे चढ़ते हैं, हर एक सोचता है हमारी अच्छी से अच्छी वस्तु दीदी स्वीकार तो करे, और दीदियां आज भी हमें स्वीकार करने में भी बहुत सेलेक्टिव होना है, बहुत फिल्टर करना है, ना मालूम किन मुरादों का वो चढ़ा रहे हैं, उनकी वो मुरादें वो कामनाएं हम कितना पूर्ण कर पा रहे हैं, लेकिन उनका दिया चढ़ावा भोग रहे हैं उसका भी हिसाब ही हिसाब है। हमारी माता जी सिर्फ एक कारण से मुझे समर्पित नहीं होने देती थी, 8 साल लगा दिए
कि वहां तो लोग दान दे जाएंगे और तुम दान का खाओगी। वो कहती थी दान हजम करना लोहे के चने हजम करने बराबर होता है। कोई लोहे के चने खाए और उसको हजम करे, ऐसे किसी का दिया इतना रिटर्न मांगता है। हम इतना दे पा रहे हैं सूक्ष्म रूप में, देने वाला तो दाता बाबा है। इसलिए ये इंद्रियों का मौन, मौन मीन्स इंद्रियां त्याग और वैराग में रहें। हमने पिछले दिनों इस चीज पर अभ्यास काफी किया, आंख का मौन। एक दिन जब कह दिया आज मैं मौन में हूं, मैंने ये भी सबको कह दिया किसी की तरफ देखूंगी नहीं, इशारे से भी उत्तर नहीं दूंगी, और आंख का भी मौन रहेगा, सिर्फ उतना देखना है जिस चीज से मेरा काम है, बस पानी पीना गिलास तक, फिर उसके फूल के रंग और ये सब क्यों देखूं साथ में। आंख को ऑर्डर पर चलाने की भी दिनचर्या होनी चाहिए। एक हफ्ते में एक दिन कम से कम रखे आंखों, आज तुमको सिर्फ वही देखना है जो मैं बोलूं, वरना कुछ मत देखना, शटर डाउन। ऐसे नहीं आंख बंद करके चलेंगे बस, सब कुछ नहीं देखेंगे, कर सकते हैं ना। अच्छे योगी सब कुछ नहीं देखते, वो भूखी निगाहें होती है जो सब कुछ देखती रहती है, वो आंखों से भूख मिटाती है। चंद्रमणि दादी ने एक बार हमको सुनाया था, कहते हम लोग अमृतसर में थे, एक सेठ आया और दादी को आकर के कहता है, दादी आपकी ये जो ब्रह्मा कुमारियां ना, इनमें से किसी को रंगीन कपड़े पहना के, लाल साड़ी पहना के, गहने पहना करके, पूरा श्रृंगार करा के, पूरी भरी भीड़ में कहीं भी छोड़ देना, मैं बता दूंगा ये ब्रह्मा कुमारी है। दादी ने कहा, अरे तुम्हारे पास क्या जादू है, इतना सब चेंज करके भीड़ भाड़ में और तुम बता दोगे कि वो ब्रह्मा कुमारी है, कैसे पता चलेगा तुम्हें। कहता उसकी आंखों से, जो ब्रह्मा कुमारी होती है ना, उसकी आंख भटकती नहीं है, उसकी आंख अंदर होती है, अंतर्मुख आंख है, गुफा के अंदर है। जिसकी आंख भीतर देखती है, बाहर का सब कुछ देखना चाहे तो भी देख नहीं पाती है, देखना दिखता नहीं है। जैसे जो मस्त होते है ना, उनको वही दिखता है जो उनकी चॉइस का है, सब कुछ नहीं दिखता है। तो एक दिन आंख का मौन, एक दिन कान का मौन, जो बात मेरे काम की नहीं सुननी नहीं। एक दिन में 20 क्लासें सुन जाएंगे, क्या करेंगे, मुरली भूल जाएगी, नहीं मुरली की धुन बजती रहे उसके एडिशनल कुछ एक आधी क्लास सुन सकते एक दो, जो मेरे विषय की है, जो मेरी उन्नति की है। नहीं तो आजकल ये भी एक्सपोजर बहुत हो गया है, सेलेक्टिव विषय अनुसार जरूरत का 20-40-50 प्रकार के सेंटर पे जॉब्स हो रही है, बातें हो रही है, सब मेरे काम की नहीं है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में हमें पांव धरना नहीं है ना। तो फिर जहाँ तेरी चर्चा नहीं वो मुझे सुननी नहीं, जहाँ राम चर्चा वहाँ हनुमान, वरना नहीं। कानों का मौन दिन निश्चित कर लें, मुख का मौन दिन निश्चित कर ले, ये भी हेल्प करता है मन के मौन को। सफिशिएंट नहीं है कि ओनली मुख से चुप हो गए, लेकिन हेल्प जरूर है। आप सबने अनुभव किया होगा, जिस दिन हम पक्का कर लेते आज मुंह से नहीं बोलना, उस दिन ये कम प्लान करता है, कम बोलता है, क्योंकि किसको वो बात सुनानी नहीं है ना, सुनानी होती है तो उसको इलेबरेट करता है। अच्छा ये बात ये वाली देखी ना, अब मेरी जो सखी है ना उसको सुनाऊंगी, फिर ऐसे 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 फुरी ये वो पूछेगी, फिर ऐसे नमक मिर्च मसाला सब अंदर तैयार होता है ना पहले, तो वो तैयार होना ही बंद हो जाएगा जब डिलीवर नहीं होना, बारी नहीं जाएगा। तो ये इंद्रियों का मौन काम करता है। इसके लिए
रोज की दिनचर्या एक्यूरेट रखना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन थोड़े कुछ दिनों के बाद ड्यूरेशन खुद सेलेक्ट करके लंबी सिटिंग भी बहुत हेल्प करती है। कुछ दिनों के बाद 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, 3 दिन, जितना जिसको पॉसिबल हो निमित के द्वारा राय सलाह से छुट्टी मिले, उतनी लंबी सिटिंग विद प्रॉपर टारगेट, पूरा लक्ष्य लेकर के उस पर हम बैठे जरूर। अपना अनुभव ये कहता है वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। उसमें एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, जैसे एक दिन में बैठी कि आज पूरा दिन इसी कमरे में ही, बस कमरा है, छोटी सी गैलरी है, भोजन भी बाहर कोई कुर्सी पर रख जाएगा, वहीं से अपने आप उठाऊंगी, देखना बोलना सुनना कुछ भी नहीं, सिवाय मुरली के अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगी, कोई गीत नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं देखूंगी, सिर्फ बाबा को अमृत वेले से निमंत्रण दे दिया, अव्यक्त बाप दादा, फरिश्ता रूप बाप दादा, आज आपको निमंत्रण है इसी कमरे में रहना, पूरा दिन प्रैक्टिस किया, तुझे देखूं, तुझसे बोलूं, तुमसे सुनो, पूरा दिन बाबा यहीं है, मैं यहाँ बैठी तो बाबा यहाँ बैठे, मैं खड़ी तो मेरे साथ चल रहे, मैं खा रही, सब कुछ, सोना है तो साथ, देखना है तो तुझे, बोलना है तो तुझे, अगर ऐसे फोकस करेंगे तो पहले मन महान बातें बोलेगा, फिर धीरे 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 चुप चुप चुप। एक दिन ऐसे निश्चित किया, ओनली ज्योति बिंदु, बिंदु 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 बिंदु, मैं बिंदु तुम बिंदु, मैं बिंदु तुम बिंदु, बिंदु की कहानियों में जाएंगे बस। और संकल्प फिर कैसे कम होते 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 बार बार इसको डायरेक्शन देना है, बार बार चुप कराने के लिए पहले इसकी दिशा ठीक करनी है, फिर इसकी दशा ठीक होती है। दिशा दिए बिना ओनली सिर्फ कह दे, व्यर्थ संकल्प ना आए, कम सोचे, नहीं होता है। हाँ, कम बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिनको भी थोड़ा ज़्यादा बोलने की आदत हो, टीचर्स है, बोलने की सेवा का पार्ट है, वाणी से शंख हमको बजाना ही है, लेकिन सेवा के अलावा शब्दों की गिनती कम 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 करते जाएं, वो भी बहुत बड़ी पावर है, फिजिकल मेंटल दोनों पावर वो वाली हमारी काम करती है, उस पर भी हमको ध्यान देना है। और एक होती है अंतर्मुखता की गुफा, एक है अंतर्मुखता की सुरंग। अब सुरंग की जरूरत पड़ गई है, पहले गुफा से काम चलता था, जैसे पांडवों का बताते हैं ना कि जब लाखा भवन उन्होंने बनाया, जो उनको एक अलग भवन उसने दुर्योधन ने बना के दिया, लाख का बनवा दिया, और उसकी प्लानिंग थी कि इनको आव भगत के हिसाब से, मान शान के हिसाब से उस महल में बुलाएंगे और आग लगा के मार डालेंगे, पर उनको मालूम पड़ गया कि इनकी प्लानिंग क्या है। अब उससे बचने के लिए उस लाखा भवन के अंदर ही अंदर रातों रात सुरंग खोद दी गई, और उस सुरंग के रास्ते वो जंगल में पहुंचकर गायब हो गए वर्षों तपस्या करने के लिए। तो अब दुनिया में भी विकारों की आग बढ़ती जा रही है, और अपने इस परिवार में भी बहुत वैरायटी तरह के अट्रैक्शंस है, बहुत, ये करो तो आगे बढ़ जाएंगे, वो करो तो आगे बढ़ जाएंगे, उस विंग से जुड़ जाओ, उस सेवा को पकड़ लो, वो वाली ऑनलाइन, दिस एंड दैट, सो मच, सब कुछ नहीं पकड़ना है, बहुत कुछ छोड़ देना है। और सुरंग होता है लंबा टाइम, लंबी डिगिंग है, लंबा टाइम उसमें से क्रॉस करना, लंबा टाइम बहुत सारी इच्छाओं का त्याग करके भीतर का
सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति, ये जो सेवन एनर्जीज हैं हमारी, उसमें स्थिर रहना, भीतर से प्रेम सुख आनंद के झरने फूटे भीतर, रूहानी प्यार, प्रभु प्यार, रूहानी शांति, ईश्वरीय शांति, शांति धाम की शांति, रूहानी सुख, अतिंद्रिय सुख, ईश्वरीय सुख, वो देवत्व का सुख, लंबा लंबा जाना उसमें, तो रिप्लेसमेंट मिलती है हमको, क्योंकि आत्मा इन सेवन एनर्जीज के बिना नहीं रह सकती है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इनके बिना कोई जीना नहीं चाहता है। जब तक वो भीतर की सुरंग से नहीं लिया है, खाली ज्ञान देके, समझाने देके बाहर से रोकना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत सेपरेशन में, डिसिप्लिन में कोई रुकेगा, लेकिन जब तक भीतर का नहीं लिया तो दिस वे नहीं तो दैट वे भटक जाएंगे। अब गंदी वीडियोस नहीं देखते हैं मोबाइल पे, तो बहुत सारी क्लासेस और बहुत तरह का एक्सपोजर है, उसमें कहीं ना कहीं जाएंगे, स्थूल में जाएगी आत्मा। और बाहर का खाना छोड़ा तो ब्रह्मा भोजन और टोलियां बहुत चाहिए, कुछ उसमें रिप्लेसमेंट में चली जाएगी। तो रिप्लेसमेंट भीतर वाली बहुत माइन्यूटली अपने को देनी है, बहुत माइन्यूटली। इन सात आत्मिक गुणों में लगातार रमन करना, वन आफ्टर दी अदर। शांत स्वरूपों, पवित्र स्वरूपों, शक्ति स्वरूपों, प्रेम स्वरूपों, सुख स्वरूपों, आनंद स्वरूपों, आनंद के सागर की संतानों, मेरा बाबा आनंद का सिंधु, मेरा बाबा आनंद से भर, बार बार, नेवर एंडिंग प्रोसेस ये चले अंदर, धुन बज जाए उसकी, फिर ये मन छलांगे लगाना बंद कर देता है। फिर इसको ठिकाना मालूम है, बाहर से जो भी बातें, जो भी मुद्दे, जो भी मामले, जो भी समस्या आएगी, जिसको विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, या फिर प्लानिंग कहो, सब का मालूम है भीतर पड़ा है इस सुरंग में, मेरे बाबा के पास सब कुछ है। जो हमारा बेसिक फार्मूला है राजयोग का, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक को याद कर, इसमें सब कुछ समाया है, सब कुछ ही कंप्लीट फार्मूला। देह भूल, देह के सब संबंध भूल, वस्तु पदार्थ भूल, आत्मा हो जा। तो हमने महसूस किया है ये आत्मा हो जा वाला जो अभ्यास है, ये इस सारे रिजल्ट को ला सकता है। बार बार प्रैक्टिस वैरायटी करे देह से न्यारा होने की, कभी मोमबत्ती की प्रैक्टिस करे। अब ये मोमबत्ती प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे आत्मा लौ माफिक जग रही है, उसके प्रकाश से मिट्टी की देह पिघलती जा रही है, पांच तत्व पांचों तत्वों में समाते समाते ये विलीन हो रहा, सारा गायब होके अकेला सितारा बचा, सितारा ग्लोब के ऊपर, सेवन एनर्जीज ऊपर, परम धाम में, बाबा के गुणों की छाया में। चाहे गुण वन बाय वन लेवे बहुत अच्छा है, सातों इकट्ठे लेवे चलता है, पर ठहराव ठहराव से, और उसका बेसिक है देह से न्यारा, क्वालिटी टाइम होना है, जल्दबाजी नहीं। ये हमारी याद की यात्रा ऐसी है, चाहे एक मिनट भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो भी जल्दी वाला नहीं है, एक मिनट में भी ठहराओ, एक मिनट करना है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, आत्मा बिंदु चमक रहा, एक मिनट करना है तो भी हड़बड़ नहीं करेंगे,
आत्मा हूँ, चमक रही हूँ, परम धाम में हूँ, फिर पांचों स्वरूप एक मिनट में करने पट पट पट। वो तो कनरस आ जाएगा भक्ति मार्ग वाला थोड़ा सा, लेकिन उसमें हम ठहरते हैं, उस टेस्ट को लेते हैं, देह से न्यारेपन का टेस्ट, वैरायटी अभ्यास करें, कभी मोमबत्ती का अभ्यास, कभी अगरबत्ती का अभ्यास। अगरबत्ती एक चिंगारी, नीचे काली सी डंडी, उसको सुलगाती जाती, खुशबू फैलाती जाती। ऐसे ही मैं चिंगारी हूँ, इसको सुलगा रही हूँ, पांच तत्व जा रहे हैं पांच तत्वों में, और गुणों की खुशबू फैलाती जाती है। कभी हम अभ्यास करें मरने का, देह मर गई, लाइट का शरीर निकला वतन से, इसका संस्कार देख रहे। कभी अभ्यास करें सब संबंधियों के मरने का, खास जो प्रियजन है, लौकिक में हो या अलौकिक में हो, देखना जरूर चाहिए कि वो शरीर से निकले, फरिश्ता बने, उनके शरीर का समापन हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना गया तो, लौकिक संबंधियों का, अलौकिक का गया तो, दृश्य बना के उसमें से शरीर से आत्मा अलग होती देखे, फिर अपनी कहानी बैक गियर वाली कहानी कैसे होती है। इस चीज ने हमको बहुत देह से न्यारा होने में अच्छा फील कराया है, जैसे मैं आत्मा अभी यहाँ स्टार हूँ, और शरीर की जो भी आयु है छोटा होता जाता है, इससे 10 साल पहले, 20 साल पहले, फिर 1 साल का, फिर 1 दिन का, फिर सितारा, पिछले बड़े शरीर में फिर छोटा 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 सितारा, फिर और छोटा 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 सितारा, ऐसे चारों युगों में बैक गियर, फिर पहला जन्म प्रिंस, वो वाला सीन। तो उससे क्या फील होता है, ये और मैं दो अलग वस्तु है, दो टुकड़ा, ये और मैं दो टुकड़ा। बार बार इस अभ्यास में जाना, खास कर्म करते, ये हाथ तुम अलग है, मैं अलग हूँ, काम थोड़ा सा रोक दे बीच में, ऐसे फील करे रे तू तो जल जाएगा मर जाएगा, मैं अमर बिंदु ये बैठा हूँ, तेरे से अलग हूँ, लोगों ने बुलाया अनीता तुम अलग है, अनीता एक्टिंग कर रही है, तेरे को कुछ डायलॉग रटा दिए थे, ब्रह्मा कुमारी बहन जी बनी हुई है, तुम नहीं है बिंदु, ये तो तेरा पार्ट है, ये हूँ मैं अमर। कभी परम धाम में मेरे रचयिता के पास उसकी चमक में चमक रही हूँ, आना जाना ड्रिल। कभी लाइट के शरीर से फरिश्ता रूप से जाना और आना, कभी बिंदु रूप से जाना और आना, ये बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, अनवरत, नेवर एंडिंग, जिससे वो रिजल्ट आ जाते हैं। पहले मन संतुष्ट होता है, फिर तृप्त होता है, फिर चुप होता है, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण मौन। पहले वो एनर्जी से पेट तो भरे, सुख शांति आनंद चाहिए आत्मा को, शक्ति चाहिए आत्मा को, प्यार चाहिए, वो सारा पेट भरे। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि मनुष्य आत्मा इच्छाओं वश जन्म मरण में भटकती है, जहाँ उसकी इच्छाएं तृप्त हो जाती है तो मोक्ष मिल जाता है। जैसे गीता के इम्पोर्टेंस के चैप्टर होते हैं, उसमें एक सन्यासी के लिए था कि इतनी भक्ति किया, इतना सिद्ध और संपूर्ण हो गया कि अब उसके लिए निश्चित था कि शरीर छोड़ेगा और मोक्ष को जाएगा। जब मृत्यु होने लगी तो एक बेर के पेड़ के नीचे था, ऊपर पेड़ पर एक पका हुआ येलो बेर था,
उसको देख करके उसका दिल किया बेर खाऊं और शरीर छूट गया। कहते उसका मोक्ष जाना कैंसिल हो गया, उस बेर के अंदर जाकर कीड़ा बना और फिर से 84 लाख योनियों में भटक गया, ऐसा बताते। तो ये इच्छाएं जन्म पुनर्जन्म में भटकाती है। तो ये इच्छाएं है 7 एनर्जीज की ही, वो चाहे स्थूल से ले ले, चाहे अपने सूक्ष्म अस्तित्व से ले ले। तो सूक्ष्म से जितना लेते जाते हैं रिप्लेसमेंट मिलती जाती है और मन चुप होता जाता है। स्थूल से जितना लेते हैं उतनी भड़कती जाती है, आप भय बूढ़े तृष्णा भय जवान, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वो तो भड़केगी। इच्छाएं कभी दुनिया में तृप्त नहीं होती है, दुनिया वाले भी जानते हैं, लेकिन ये सुरंग में जाकर तृप्त हो जाती है और मन चुप होते 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 फिर वो जो हमारी अवस्था कहते हैं कर्मातीत। कर्म करते भी अतीत क्यों, अब कर्म से भी डिमांड नहीं कोई, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस कर्म से, जन कल्याण अर्थ एक्टिंग हो रही है, फिर न्यारे हो जाएंगे उस कर्म से भी, क्योंकि तृप्ति भीतर से ले ली। अब कर्म से भी मुझे सुख शांति आनंद नहीं चाहिए, कर्म से भी नहीं चाहिए, नहीं तो कर्म से चाहिए होता ना, सुकर्म से मेरा भाग्य बने, लेकिन वो अंदर इतना टेस्ट ले लिया। ये कुछ अपना चिंतन था जो आप सबसे शेयर किया है। 2 मिनट साइलेंस में बैठ के हम उठेंगे और फिर योग चलता रहेगा। ओम शांति।